अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी है यस से होंगे। आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन सिखाने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो फौरी मिलता रहे। तो आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और मोस्टली यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसकी डेरिवेशन आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए ज़रा, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ये वाली होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बट ए इक्वल नॉट टू ज़ीरो के होता है। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को ए पे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। ए एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर ए। ये ए ए वाली टर्म ए के साथ कैंसिल, बाकी टर्म बचेगी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। को किसी भी चीज़ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर ज़ीरो। अब ये कांस्टेंट वाली टर्म है तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू, इधर ये कांस्टेंट प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव माइनस सी ओवर ए। अब दोनों साइड्स पे हम लोगों ने क्या करना है, एडिंग बी ओवर टू ए होल स्क्वायर बोथ साइड्स बाय एडिंग बी ओवर टू ए होल स्केयर बोथ साइड्स, मतलब बी ओवर टू ए का होल स्केयर हम लोगों ने दोनों साइड्स पे क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए ज़रा, एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस ये ऐड करेंगे बी ओवर टू ए होल स्केयर इज इक्वल टू बी ओवर टू ए होल स्केयर माइनस सी ओवर ए। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। इधर तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी होल स्केयर वाला, मतलब ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म के साथ दूसरी टर्म और उसके बाद होल का स्केयर, एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्केयर इज इक्वल टू, इधर स्केयर ओपन करेंगे तो आएगा बी स्केयर ओवर टू ए का स्केयर ओपन किया तो फोर ए स्केयर माइनस सी ओवर ए। अब ये देखिए, एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर ओवर फोर ए स्केयर माइनस सी ओवर ए आ गया। तो इस साइड का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा फोर ए स्केयर बी स्केयर माइनस फोर ए सी। ये वाली टर्म भी साथ लिख लेते हैं, एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्केयर। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक्स प्लस बी ओवर टू ए होल स्क्वायर का हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया, दूसरी तरफ भी हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर, इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, बाकी टर्म बचेगी एक्स प्लस बी ओवर टू ए। अब ऊपर वाली साइड का तो स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा, लेकिन नीचे वाली साइड का हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, इसका ख़त्म करेंगे तो आएगा, अलहदा से लिख लेती हूँ, फोर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी ओवर टू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए आएगा। ठीक है, अब एक्स वाली टर्म को हम लोगों ने सेपरेट करना है, तो बाकी जो भी टर्म है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू, इधर ये प्लस क्या, दूसरी साइड पे जाके माइनस माइनस बी ओवर टू ए, स्क्वायर रूट ख़त्म होने की वजह से प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू ए, बाकी टर्म बचेगी माइनस बी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। दस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए, बट ए इक्वल नॉट टू ज़ीरो इज नाउन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला, सॉरी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसको बोलते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।